हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हर्बल नॉलेज में। दोस्तों आज हम ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिन लोगों के वीर्य में बहुत ज़्यादा पतलापन आ गया है, वीर्य उनका बहुत ज़्यादा पतला हो गया है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वीर्य पतला होने की वजह से टाइमिंग की बहुत ज़्यादा कमी हो गई उनको, जिसकी वजह से उनका पार्टनर उनसे सही तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाता। तो आज हम ऐसे ही लोगों के ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की देखी नुस्खे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वो चीज़ें लिख लीजिए जो आपको इसके लिए लेना होती हैं। तो आपको उसके लिए लेना है कौंज के बीज 100 ग्राम और लेना है आपको अश्वगंधा 100 ग्राम। ये आपको किसी भी पंसारी के यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। ये आपको दोनों चीज़ें लेनी है और आपको सही तरीके से इसको कूट लेना है या फिर आप इसको पीस लें और दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक डिब्बी में करके रख लेना है आपको। ये आपका पाउडर बनकर हो गया तैयार। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल किस कंडीशन में कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके वीर्य में बहुत ज़्यादा पतलापन हो गया है, आपने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया है, हस्तमैथुन करने की वजह से आपके पेनिस की नसें बिल्कुल बेकार हो गई हैं, जिसकी वजह से आपका वीर्य बिल्कुल पानी के जैसा हो गया है, टाइमिंग की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, वीर्य बहुत जल्दी निकल जाता है, आप अपने पार्टनर को सही तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाते, यदि आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो आपको सुबह शाम में 5-5 ग्राम का इस्तेमाल करना है, यानी कि 1-1 चम्मच का आपको इस्तेमाल करना है। यदि आप दूध के साथ में इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। आपको इसका इस्तेमाल 8 दिन अगर आप करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल लगातार 1.5 महीने तक करना है। दोस्तों 1.5 महीने के इस्तेमाल से आपके वीर्य में बहुत ही ज़्यादा गाढ़ापन हो जाएगा, आपका वीर्य बिल्कुल मक्खन के जैसा गाढ़ा हो जाएगा, आपके पेनिस में जो इरेक्शन नहीं होता है वो इरेक्शन भी आपका होने लगेगा और सेक्सुअल टाइमिंग भी आपकी बढ़ जाएगी। यदि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो आपकी कमजोरी भी खत्म हो जाएगी। ये प्योर हर्बल है इसीलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो आप नो टेंशन होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बात कर लेते हैं इसके कुछ परहेज के बारे में। तो आपको कुछ परहेज भी करना है, ऑयली फूड आपको नहीं लेना है, तली भुनी कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है, खटाई का सेवन भी आपको नहीं करना है। दोस्तों हो सकता है आप थंबनेल को देखकर ही हमारे इस चैनल पर आए हो, तो आपको हस्तमैथुन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हस्तमैथुन करने की वजह से ही आपके पेनिस में इरेक्शन नहीं होता और जो आपके वीर्य में पतलापन हो गया है वो भी उसी की वजह से होता है, इसलिए आपको हस्तमैथुन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये था वीर्य को मक्खन के जैसा करने का फुल रिव्यू। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको 5 घंटे के अंदर अंदर जरूर दूंगा। मिलेंगे इसी तरीके के देसी नुस्खे के साथ। जय।